नमस्कार प्रणाम जय हिंद। कैसे आप लोग? अभी अभी खेसारी लाल भैया लाइव आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र हैं उनके सपोर्ट में, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है। खान सर के बारे में क्या बोले हैं, खेसारी लाल भैया स्टूडेंट्स के बारे में क्या बोले हैं, वो देखिए आगे इस लाइव वीडियो में। और हाँ, अंत में जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अंत में। और याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी ही लाइक कर लीजिए क्योंकि खेसारी भैया आए हैं, और कमेंट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी हमारे रेलवे के छात्र हैं, जो कि रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है, अगर हम रेलवे को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं हमारी नुकसान हो रही है। हम समझ सकते हैं कि हम इतने पढ़ाई लिखाई करके हमारे पास रोज़गार नहीं होता, तो ये दुनिया बोलती है कि शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षित बन के भी हम अपने आप को कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें गिल्टी फील होती है और हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। और मैं समझ सकता हूँ आप सबकी भावनाओं को, और सरकार आपकी ज़रूर सुनेगी। और ये सिस्टम के खिलाफ आप लोगों का ये धारणा था, चाहे जो भी था, तो मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी वो चीज़ें हो जिसकी डिमांड आप सब कर रहे हैं सरकार से, और आपका हक भी है क्योंकि हम हर चीज़ करके गरीबी में अपने आप को पढ़ा शिक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं इसलिए ताकि हम आगे चल के अपने जीवन को अच्छे से चला सकें, हमें रोज़गार मिल सके। बट ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगी। और बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी चीज़ें हो जाती है। उग्र में इंसान गलत कर जाता है, बाद में समझ में आता है, क्योंकि आज रेलवे को भी नुकसान होगा या अपने सरकारी प्रॉपर्टी नुकसान होगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि सरकार की प्रॉपर्टी जनता की प्रॉपर्टी होती है, और जो भी सरकारी प्रॉपर्टी होती है वो जनता के काम आती है, तो नुकसान हम सबका है। और बस जला देने से या ट्रक जला देने से या रेलवे का पटरी उखाड़ देने से अगर समस्या सॉल्व हो जाता तो हर आदमी पटरी उखाड़ के सॉल्व कर लेता। इसका हम अच्छे से आप लोग का धारणा देना जायज़ है, और मैं आप सबके सपोर्ट में हमेशा रहूँगा, क्योंकि हमारे देश के भविष्य हमारे नौजवान ही हैं, हमारे भाई सभी हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट विचारधारा रखने के लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मन में अगर अच्छी विचारधारा हैं तो वही समाज को काम आता है। पढ़ाई लिखाई और शिक्षा तो जो है वो टेबल पर अच्छी लगती है, बट विचारधारा अगर आपका अच्छा है अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, तो वहाँ शिक्षा की कोई ज़रूरत है नहीं। बट मैं कोशिश करता हूँ कि हर दुख सुख में आप सबके साथ रहूँ, और आप सबके हित के लिए जो भी हो सके, आपकी लड़ाई में मेरा भी एक योगदान रहे। बट मैं चाहूँगा कि हाँ, प्लीज़ आप लोग उग्र होकर ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारा ही नुकसान हो। और अपनी बातों को रखने का तरीका बहुत है, बट ठीक है, जो भी हुआ सरकार ने हमारी डिमांड को पूरा किया और चीज़ें हो रही है, तो अब इस चीज़ को रोक दिया जाएगा तो शायद बहुत सारी चीज़ें बच जाएगी, और उसमें नुकसान सबका है। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, ऐसे ही प्यार देते रहिए खेसारी लाल यादव को, अपने इस बेटा को, अपने भाई को, और टीम खेसारी जो मेरा ये आईडी है, इससे जितना लोग आप जुड़ेंगे हमें खुशी होगी कि हम इतने सारे लोगों के प्यार में हैं। तो सिर्फ प्यार करने के लिए आप टीम खेसारी को और इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हमारी बातें, ताकि जो चीज़ें हो रही है वो ना हो। तो कोशिश करिए अपने आप को, क्योंकि आपके ऊपर पूरी आपके परिवार की जिम्मेदारी है, इस देश की जिम्मेदारी है। तो देश की जिम्मेदारी जब आती है, परिवार की जिम्मेदारी आती है, तो आदमी गार्जियन बन जाता है। तो आप एक गार्जियन बन के सोचिए, और आज नहीं तो कल वो चीज़ें पूरी होगी आपकी, क्योंकि आपकी लड़ाई हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जितने भी हमारी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी लड़ाई को जीता, और ऐसे ही जीतते रहेंगे हम लोग। हम सबका साथ, सबका विकास के साथ चलना है, कि हम सबका साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत झुक सकती है। और बस उग्र ना हो, उसमें किसी का नुकसान ना हो, अपना ना हो, अपने परिवार का नुकसान ना हो, तो कोशिश करिए। और टीम खेसारी को भी आप लोग प्यार दीजिए।